नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय जब पूरा देश कोरोना से मर रहा है, महामारी है, लॉकडाउन लगा है, नदी में लाशें तैर रही हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, तो आपको पता है इस देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने लिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा, 17,000 करोड़ का और टोटल सेंट्रल विस्टा 22,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, योगी ने जिस तरह से शमशान घाट की तस्वीर नहीं ले सकते, बेटी को रात में जलवा दिया था, अब दिल्ली के दिल सेंट्रल दिल्ली में राजपथ पर मोदी ने बैनर लगवा दिया कि आप फोटो नहीं ले सकते हैं। कहाँ तक रोकेंगे साहब? इस देश के हर आदमी के दिमाग में बैठ गया है कि प्रधानमंत्री का महल बन रहा है और 2022 से पहले गृह प्रवेश है। आपके अपने मर रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही, आप लाचार हैं, बेबस हैं, मौत मंडरा रहा है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो अपने गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा है और महल भी ऐसा 20,000 करोड़। कितने का? 20,000 करोड़। जो कहता था कि मैं फकीर हूं, जो कहता था मैं गरीब घर में पैदा हुआ, सब पता है क्यों किया जा रहा है? ये नया संसद भवन, ये नया प्रधानमंत्री आवास, ये सारा एजेंडा आरएसएस का है। बाबा साहब का संविधान खत्म करना है, लोकतंत्र खत्म करना है। हो सकता है साहब अगली बार चुनाव भी ना कराए और पुतिन मॉडल लागू कर दिया जाए। आप सोचिए फलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल हमला कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो इजराइल का भारत में समर्थन करते हैं? वो वही लोग हैं जिनके बाप दादा पहले हिटलर का समर्थन करते थे जब वो हिटलर में था और अब उससे नफरत करती है पूरी दुनिया। ये वही लोग हैं जो आज मोदी का भी पॉजिटिविटी के नाम पर समर्थन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इतिहास इनके काले अक्षरों में लिखा जाता है, लिखा जाएगा। इनकी करतूतें आज आप बच जाओगे, कल नहीं बचोगे, क्योंकि इतिहास लिखा जाता है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपको क्या लगता है इनके पाप कहीं छुपते नहीं है? नदियों में लाश तैर रहा है। कहां कह रहे थे कि शमशान, ये पूरे देश में शमशान घाट में इन्होंने तब्दील कर दिया है। मैं आज भी श्रीनिवास से बातचीत करके आया हूँ, गुरुद्वारा रकामगंज में हॉस्पिटल के करीब से मैं आया हूँ, देखा है मैंने वहाँ किस तरह से सिख एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक भी बीजेपी का नेता, एक भी जनरल कैटेगरी के जो आदमी है, जो संपन्न है, जिसका बिजनेस है, कहाँ गया अंबानी अडानी? सब भाग गए देश छोड़ के, अदर पूना वाला। मैंने फिर कहा, आज आप मरने के लिए मजबूर हैं, अब राज्यों में वैक्सीन नहीं मिल रहा, इस सब के लिए प्रधानमंत्री की गलत नीति जिम्मेदार है। इस आदमी ने वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए, तमाम कंपनियों को वैक्सीन नहीं बनाने दिया। ये अपने रिश्तेदार अदार पूना वाला, रिश्तेदार से भी ज़्यादा करीबी, ये सिर्फ 4 लोगों से देश चलाना चाहता है, अंबानी, अडानी, शाह और मोदी। ये चाहता था कि सारे वैक्सीन का ठेका अंबानी को मिलो, नहीं तो अदार पूना वाला और भारत बायोटेक 2 कंपनियों को दिया, और एक कंपनी के ही इसने ऑर्डर लिए। बाकी मैडोना, फाइजर, इन सबको अगर आदेश दिया जाता, इन सबको अगर पैसा दिया जाता, ऑर्डर दिया जाता, तो आज हर किसी को वैक्सीन मिल जाता और आप मरने के लिए मजबूर नहीं होते। आपके नाते रिश्तेदार, बेटा, भतीजा, कोई जानने वाला, आज कोई ना कोई मजबूर है, मौत मंडरा रहा है, गांव में और बुरी स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस सब के लिए 2 शख्स जिम्मेदार है इस देश में। पहला राजीव गांधी, जिसने मंदिर का ताला खोला। दूसरा अडवाणी, जिसने पिछले 30 साल में अस्पताल स्कूल का मुद्दा हटा के सिर्फ मंदिर का राजनीतिक मुद्दा बना दिया, और इसके लिए अखिलेश, तेजस्वी जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, जो गाहे बगाहे किसी बाबा के पैर में जाके बैठ जाते हैं। इन लोगों का काम जरूर अच्छा है, इन लोग मुख्यमंत्री रहते हैं तो स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, हाईवे बनवाते हैं। मायावती हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, हेमंत सोरेन हो, लेकिन ये बाबा के पैर में बैठने का जो धंधा है, ये इनका भी बंद होना चाहिए। अंधविश्वास से ही लोग फैलाते हैं। आज इस देश में अगर बेरा गर्क है तो उसकी सबसे बड़ी वजह अंधविश्वास है, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जो दिन रात पत्थर की अंगूठियां बेचता रहता है। मैं खूब खबरें बताना चाहता हूँ आपको, जो बहुत ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये सवाल रवीश भी इस तरह से नहीं पूछेगा। रवीश इतना बैकफुट पर खेल रहे हैं, मैं उनका कल शो देख रहा था, वो सिर्फ डेटा बताते हैं सरकार का। सरकार ने ये कहा, सरकार ने वो कहा, अरे सामने रिपोर्टर्स भेजो, अस्पताल दिखाओ, तुम्हारे पास दर्जनों रिपोर्टर हैं, कैसे वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल के बाहर लोग मरने के लिए मजबूर हैं, दिखाओ उसे।
सोचिए जरा कितनी दयनीय स्थिति है। मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मोदी सरकार का आदिवासी मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो दिल्ली के कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा से मदद मांग रहा है। रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी ने साफ साफ कहा है कि अगर पप्पू यादव को कुछ होता है तो नीतीश कुमार को और बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी को चौराहे पर खड़ा करके चखूंगी। पप्पू यादव को जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए दिलीप पांडे जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनसे उनके यहाँ रेड पड़ रहे हैं, छापेमारी हो रही है। ये पप्पू यादव लगातार उनके वीडियोज लोग शेयर कर रहे हैं किस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं। और पंडित राजन मिश्रा, सोचिए जो आदमी कोरोना में बेड के बगैर तरप तरप के मर गया उसका अब होर्डिंग लगाया जा रहा है। ये है आपकी देश, ये है आपकी देश की स्थिति। और पंकज झा ने एक ट्वीट किया है, सोचिए क्या हे भगवान क्या दिन आ गया। ये लोग सबसे ज्यादा, ये जो सवर्ण लोग हैं, ये सबसे खासकर जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, सबसे ज्यादा जो हैं 26 डाई ड्यू टू O2 शॉर्टेज एट गोवा प्रीमियर गोप्ट स्टूल। सोचिए वहां बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी क्या क्या स्थिति है आप समझ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी खराब स्थिति है। पप्पू यादव को लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, लगातार नाराजगी है। और योगी सरकार का जातिवादी रवैया कम नहीं हो रहा है। सैफई मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जो बहुजन है उनके साथ बदसलूक की हुई है एक बार फिर से। अभी एक कुछ दिन पहले एक OBC सचान को जेल में डाल दिया था इस डॉक्टर ने। इंदु चौधरी ने ट्वीट किया है, कुलपति सैफई मेडिकल को उनके साथ भेदभाव रहा, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और सोचिए ये जहां भी जाएंगे मनुवादी क्या करते हैं। अमेरिका में भारत से दलितों को लेकर एक मंदिर बनाया गया है। USA by Hindu ऑर्गेनाइज एसोसिएट विद BJP टू बिल्ड टेम्पल। बीजेपी के कार्यकर्ता जो अमेरिका में है संघी लोग, वो एक मंदिर बना रहे थे और वहां एक घंटे में $1 दे रहे थे। यहां से SC ST OBC के कर्मचारी को ले गए थे और FBI ने उनका पर रेड किया है। तो ये जहां जाते हैं जातिवादी मनुवादी उस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने संविधान को क्या मानेंगे। इनसे इनसे जरूरी सीखने, इनको लतियाने की जरूरत है। ये सब लोग लतखोर बेईमान भ्रष्ट हैं। कोरोना जैसे महामारी में नकली दवाएं बेचते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये महंगा सामान बेचते हैं ये। और ये देखिए गया में बुद्धिस्ट, गया जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था वहां मॉन्क लोग किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वीडियो भी शानदार है। और ये तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सोशल मीडिया ही, मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया पर आपको समझना चाहिए। अजय कबीर लिखते हैं, कैसी विचारधारा के लोग हैं, जब हिटलर मानवीय हत्या करवा रहा था तो नाजी उनको हीरो बन गए, आज जय और आज कुछ पता चला नसीब वाला कहाँ छिपा बैठा है। जिंदा लोगों के मुकाबले मुर्दे ज़्यादा सच बोल रहे हैं क्योंकि मुर्दों को जेल जाने या नौकरी गंवाने का डर नहीं होता, कृष्णकांत ने लिखा है। और फिर भाजपाई फर्जीवाड़ा, शमशान के गिद्ध, याद है 2009 में फिलिप कोटलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसी तरह की ये दुनिया अब तो द गार्डियन नकली अखबार तक बनवा लिए हैं। तो इसको लेकर भी लगातार लोग सोशल मीडिया। और सोचिए जबलपुर में BHP विश्व हिंदू परिषद का जो चीफ है, मुखिया है, वो नकली रेमडेसिविर 1 लाख रुपए में बेचता था, नकली, वो भी नकली नकली। एक अकेले भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने नरेंद्र मोदी अमित शाह के करोड़ रुपए खर्च कर IT सेल के वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पप्पू का मतलब यह बदल गया है। तो ये तमाम खबरें मैं बता रहा था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ डर से और मीडिया के नाम पर चल रही है। क्या मीडिया अभी भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है? एक आदमी बताइए इस देश में जो अभी पीड़ित नहीं है, जिसके सर पे मौत नहीं मनरा रहा है, और आपका प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए है, उसको जवाब देना पड़ेगा। इस देश की मीडिया जिस दिन सवाल पूछ लेती, आपके चेहरे से जिस दिन भक्ति का पाठ उठ जाता, उस दिन ये सब कुछ बदल जाता। आज हम लाश ढो रहे हैं क्योंकि हमने बात नहीं की, इसे सवाल नहीं पूछा। पिछले 6 साल में इस शख्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ये सिर्फ भाषण देता है। न इसके पास राशन है, न रोजगार है, न दवाई है, न अस्पताल है। सोचिए इस आदमी ने हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद कर दिया।
30 साल में धर्म के नाम पर राजनीति हुई। जितने बहुजन नेता अगर किसी साधु महात्मा के चक्कर में पड़े उनको भी बॉयकॉट कीजिए। इस देश को सचमुच पप्पू यादव जैसे, दिलीप पांडे जैसे, श्रीनिवास जैसे लोगों की जरूरत है, संजय सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, जो जब जब परिस्थितियां खराब है तो ये मोर्चे पर निकल तो रहे हैं, जब सड़क पर चलने में दिक्कत होती है, डर लगता है, तब ये लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। मुकेश शर्मा है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए आप, ऐसे लोगों को नेता बनाइए, एक नज़ीर पेश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अब भी आप लोग चुप रहें, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, सेंट्रल विस्टा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, तो आप लाश उठाने के लिए मजबूर होंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।